आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? दिमाग वाला दिमाग बेचता है, हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तुड़वा कर काम करते हैं हम साहेब, क्या गलत करते हैं? तेरी औकात दिखाने में मुझे इतना सा वक्त लगेगा और इतना मजा आएगा। अजय का भूत सो के ना तुझे, कल सीधा तेरे घर में घुस कर तुझे वही गाड़ दूंगी मैं। बैंक वाले यहाँ की लड़कियों के नाम पर खाता खोलने को तैयार नहीं, लेकिन बैंक वाले यहाँ की लड़कियों के कपड़े खोलने को तैयार हैं। जिसके पास पूरा आसमान हो उसे चूहे के बिल का लालच दे रहे हो। इस पठान ने वतन छोड़ा है, वसूल नहीं। जनरलिस्ट जी, मैं प्रोस्टिट्यूट गंगू भाई। सरबत क्यों नहीं आया अभी तक? एक दिन चैन से छुट्टी नहीं मना सकते हम? मेरे हक के पैसे दे। आइएगा कभी हमारे कोठे पे, जवानी भी मिलेगी और कहानी भी मिलेगी। Hey guys, what's up? Welcome back to 760 Style. आज का व्लॉग कुछ नया है, हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो चलो चलते हैं, तुम्हें दिखाते हैं, आ जाओ। मेरी SBF को बना रहे हैं यहाँ पे, तो चार की टिकट है, 4 बजे की टिकट है। Hey guys, what's up? तो हम आ चुके हैं इनॉक्स पटेल नगर। आज मूवी का सीन था निजांश की तरफ से। टाइम हो चुके हैं 3:55। तो इसने मेरे को कहा 4 बजे की मूवी है, मैं तभी कह रहा हूँ जल्दी कर, और अभी भाई साहब बता रहे 4:40 की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? 4:30 कुछ की, 4:30। चलो भाई मजाक है मेरे साथ, तभी मैं सोचू थी आराम आराम से चल कैसे रहे। चलो चलते हैं फिर, हाँ तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दिखा तो मूवी तो मैं ही इंजॉय करूंगा, तुम लोग क्या करोगे? सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं ना। हाँ तो अपना कौन सा है, सेकेंड फ्लोर तो लेफ्ट से चलते हैं फिर। और फन संडे है तो फन डे तो बनता ही है। हम बहुत पहले आए थे, हमें पता नहीं कौन सी मूवी देखी थी लास्ट, लुका छुपी देखी थी। मैंने बिंदा मैंने ब्लॉग भी नहीं आया था, जहाँ शूटिंग हुई थी लुका छुपी देखी थी हमने। जस्ट अभी खुला है भाई, ठीक ही टाइम पे आया है। चल 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 तू चल। It was at this moment that he knew he fucked up. बुलंद हौसलों से मिलाने के लिए आएगा इंडिया। प्रैंक करने पे लगा हुआ है, दो बार प्रैंक हो गया जो हमारे पास है। इधर आ जाए, तो लाइटिंग कम आ रही है। एक बैंक हो गया, दो बार भाई हो गया। पहले हम गलत हॉल में चले गए, 3 नंबर हॉल में, चाहे बल्कि 4 का, हम घुस गए 3 में। और वहां जाके कह रहे हैं कि भाई सीट ये हो, ये कौन बैठा है सीट पे? वहां पता चला कि 3 नंबर हॉल है। 3 नंबर हॉल था, वहां पे कोई और मूवी चल रही है भाई। इतना बढ़िया, इतना अच्छा सीन हुआ। और फिर उसके बाद 4 नंबर में, 4 नंबर में गए। हमें लगा भाई सबको टाइम नहीं याद, देखो टिकटें इन्होंने करी है, इनको बताओ भाई। 4:30 लिखा था, तो यहाँ से कोई म्यूजिक होना चाहिए ना, पता नहीं। यहाँ पे कोई है ही ना, कोई वो लगा रखी है ना, कोई वो ना कुछ। बैरिकेड कौन सीधा चले गए, वहाँ जाके पता चला पुराना शो, वहाँ पे वो पहले वाला शो चल रहा है, एंडिंग हो रही थी वहाँ पे, एंडिंग चल रही थी वहाँ मूवी की। भाई यार का मोटे निकल फटाफट यहाँ से, मतलब भाई स्पॉइलर मिल जाएंगे बेकार के। हाँ फायदा नहीं होगा, हमने सोचा हम बाहर आए, बाहर आके बंदा बैरिकेड लगा रहा है, बाहर आके बंदा बैरिकेड लगा। भाई पहले ही बता देते, हम सोच रहे हैं लेट हो गए यहाँ पे, यहाँ तो अभी तक चलिए कोई नहीं होता ले, चलो कोई बात नहीं, अभी 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं। या उसके बाद चलते। ओके
मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. Hey guys, what's up? तो पिक्चर देखने के बाद टाइम हो रहा है कुछ 7:40। हम आए हुए थे, जैसे कि तुम देख रहे हो हम गंगूबाई पिक्चर देखने आए हुए थे, INX सत्यम। तो मेरा रिव्यू ये रहेगा, मैं आई नो तुम लोग यही सोच रहे हो मेरा रिव्यू क्या होगा, तो मेरा रिव्यू होगा इट्स अ ऑनेस्ट रिव्यू, लाइक इट्स अ गुड मूवी, बट बढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ बहुत करी हैं। गंगू भाई की नेगेटिव साइड तो दिखाई नहीं, अगर कोई असलियत में जानता है गंगू भाई को, अगर कुछ से पढ़ा है, तो नेगेटिव साइड भी बहुत है, तो वो इस मूवी में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। तो इसी के साथ, एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, एक नई चीज़ के साथ, दोबारा यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे बहुत जल्द दोबारा सार्थक केस स्टडी। हाँ, तो मेन पॉइंट्स में वहाँ पे बताना भूल गया था, आलिया भट्ट ने बहुत बहुत लाइक अब तक की सबसे बेस्ट मूवी होगी उसकी, लाइक एक्टिंग नंबर वन, कैमियो बहुत अच्छा लगा अजय देवगन का, और विजय राज तो भाई एपिक है भाई एपिक। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी ना तो मूवी जाके देखो यार, मज़ा आ जाएगा, मज़ा दिल जीत जाएगी भाई मूवी है। नेगेटिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई दिया था, वहाँ पे बाहर खड़े हो गए, थोड़े से प्लस पॉइंट रह गए थे, ये मैंने सोचा रात को आके अब शूट कर लेता हूँ। तो इसी के साथ ऑनेस्ट रिव्यू दिया मैंने यहाँ पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।